प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे। देखो, कहा जा रहा है कि एट रेट ऑफ क्या, एट रेट ऑफ क्या 2.5 रुपीज पर पेन, उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? टोटल प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट टोटल कितना हो एक रहा है? सौ 110 रुपये। एकदम इजी वे में ये क्वेश्चन तो बहुत आसान निकल गया, मुझे लगा थोड़ा टफ होगा, मतलब थोड़ा लेंदी होगा। अब सेम चीज, एट रेट ऑफ कितना 1.7 रुपीज पर पेन, लॉस कितना हो गया, लॉस टोटल कितना हुआ, ₹55 का। बोलिए क्लियर है? यस, हाँ जी बोलिए सर। क्लियर है। क्या आपको ये बात पता है कि आपको सामने वाले ने जो प्रॉफिट किया उसमें पेन कितने बेचे, नंबर ऑफ पेन्स नहीं पता? तो मैं मान लेता हूँ टोटल यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, इसमें एक्स है क्या, 2.5x, चलेगा आपको? समझ में आ रही बात कि हमने मान लिया कि एक पेन का दाम अगर ₹2.5 है तो उसे टोटल एक्स पेन बेचे तो 2.5x हुआ। क्या ये बात आपको क्लियर है, कोई दिक्कत है? यस और नो? हाँ जी, लेकिन ये टोटल क्या है, नो सर, ये एक्चुअल में ये टोटल है क्या, सेलिंग प्राइस है ना? बोलिए क्या ये सेलिंग प्राइस है या नहीं है, टेल मी। यस, यस, हाँ सेलिंग प्राइस है ना, एक पेन को बेचा ₹2 के हिसाब से, एक्स पेन्स को बेचेगा 2.5 x। अगर यहाँ पे 100 पेन होता तो ₹250 सेलिंग प्राइस हो जाता। अगर उसको प्रॉफिट ₹110 का हुआ है ना, प्रॉफिट ₹110 का हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 2.5x। चलिए आगे बात करते हैं। अब सामने वाले हम सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं, टोटल फिर से सेलिंग प्राइस फिर से बात करते हैं अपन। एक पेन को बेचा उसने कितने, 1.75 के हिसाब से, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स तो टोटल एक्स ही है, यस और नो? पहले भी एक्स था और आज भी एक्स है, क्या नंबर ऑफ पेन्स चेंज होगा? एक सेकंड, वही फिर कोई आया, क्या नंबर ऑफ पेन्स चेंज होगा बताइए? हाँ जी, चेंज होगा क्या? नहीं सर, चेंज जितना पहले था उतना ही पहने रहेगा, तो ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स हमने क्या मान लिया, 1.75x, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें लॉस कितने का हुआ है, ₹55 का, और प्रॉफिट कितने का हुआ है इसमें, 110 का हुआ है। ठीक है, अब मुझे जरा बताइएगा आप कि क्या इस दोनों प्रोसेस में आपको ये बात पता चला कि कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस तो हमें चेंज नहीं होगा, कॉस्ट जितनी में आप खरीद के लाए वो तो सेम ही रहेगा ना, जो आप मैन्युफैक्चरर से या क्या बोलते हैं, गोडाउन से खरीद के लाए हैं, जहाँ से लाए हैं, हाँ मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाए हैं, वो तो खरीद के तो आप सेम में रेट में ही लाए थे, लेकिन बेचने का तरीका अलग अलग हो गया है ना, बेचने का जो प्रोसीजर वो अलग अलग हो गया। तो एक बात हमें समझ में आया, कॉस्ट प्राइस ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के टाइम पे जब आपने किया और वही कॉस्ट प्राइस लॉस के टाइम पे था, बोलो यस और नो? जैसा है ना, कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट के टाइम पे था वही कॉस्ट प्राइस लॉस के टाइम पे रहा होगा, है ना? और ये बात क्लियर है? तो जरा आप बताएंगे मुझे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यस और नो? सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप जरा मुझे ईमानदारी से बताएंगे, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा चाहे प्रॉफिट के लिए, बताइए क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। बोलिए, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, है ना? अरे बोलो ना, सही है, एसपी माइनस प्रॉफिट, बोलिए सही है कि नहीं? सेलिंग प्राइस से अगर यस मैं सर, प्रॉफिट हटा दूं तो बच जाएगा मेरे को कॉस्ट प्राइस, लेकिन वही चीज अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से मैं सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यस और नो? राइट, लेकिन अगर मैं वही चीज आपसे पूछूं कि कॉस्ट प्राइस बताओ तो आप क्या बोलोगे, लॉस में सेलिंग प्राइस आप जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यानी एक बात समझ में आया कि जब आप प्रॉफिट की बात करें और जब आप लॉस की बात करेंगे तो दोनों एक्चुअल में, अगर ये लॉस वाला पार्ट है, सीपी वन मान लो, इसको सीपी टू मान लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, या CP1 इसको मान लो, CP2 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए टेक्निकली। बोलिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो, यस यस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बात तो आपको समझ में आए। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। सेलिंग प्राइस आपको पता है क्या, प्रॉफिट के टाइम पे कितना था? तो आप बोलेंगे हाँ मुझे पता है। कितना? 2.5x, यस और नो? बोलिए, यस और नो। हाँ और वैल्यू में प्रॉफिट कितना रुपए का हुआ था आपको? 110 रुपया का, यस और नो? बोलिए, यस और नो। हाँ जी बोलिए, यस और नो। सर, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.5x-110। चलिए, अब हम जब लॉस की बात करते हैं तो लॉस में आपको लॉस कितने रुपए का हुआ? तो आप बोलेंगे 55 रुपए का लॉस हुआ था। लेकिन जब आपका लॉस हुआ था तो उसमें आपने प्रोडक्ट को बेचा किस रेट से था? टोटल सेलिंग प्राइस उस समय आपका क्या था? तो 1.75x। 1.75 बहुत अच्छी बात है, इज इक्वल टू 55 + 1.75x। बाद में इस क्वेश्चन को मैं 15 सेकंड में सॉल्व करके बताऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए टेक्निकली? बोलिए क्या करना चाहिए? यस, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, यस और नो? अरे बोलो, यस और नो। तो क्या होगा ये, यस 2.5x-1.75x इज इक्वल टू 110 में क्या जोड़ देंगे हम? 55। ठीक है, इसको जोड़ो कि घटाओ कितना आता है, 0.25 करो तो 2 हो जाएगा, और तो 0.75 हो जाएगा। सही बात है, 0.25 करो तो 2 बन जाएगा, है ना, और 2.5 है तो 0.75x। समझ में नहीं आ रहा है भाई, कैसे बेकार टाइप के आदमी हो तुम लोग, है जी? 10 में 5 जाएगा 5, बचेगा 14, 14 में 7 जाएगा तो 7, और ये 0.75x होगा ना जी। हाँ, 0.75x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 165। यस, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो अब मुझे बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 165/0.75। अब पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 100 चला जाएगा। ठीक है, 25 4 बार में, 25 3 बार में, 6 5 11 12 कट जाएगा बिल्कुल आराम से, 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15। तो 55 × 4 कर लो कितना आता है, 55 × 4 करो कितना आ जाएगा, 220 पेंस उसके पास टोटल थे। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए। हाँ जी, यस, अरे बोलो, यस और नो? ठीक है, मैं इसका ओके इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैं आपको टेलीग्राम पे, और फिर अपन मैं इसको आपको 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी था ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। फिर आप बोलोगे सर हवाई उड़ान भर दिया आपने तो, सर है ना, स्क्रीनशॉट ईमानदारी से भेजते रहूँगा, क्योंकि अगर वीडियो का आगे पीछे हो गया हेड ऑफिस में तो आप लोग को नुकसान नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और हमें हमारे पास बचता है सिर्फ 15 सेकंड, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हमें एक बात पता है, आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस एट लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एट प्रॉफिट करना है मुझे, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस होता क्या है बेसिकली, प्रॉफिट क्या होता है? हाँ जी, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा और बता देता हूँ, हालांकि आपको मैं बता तो ऑलरेडी चुका हूँ, बट प्रॉफिट क्या होता है, SP-CP। यस, यस और नो? तो अब आप बताइए मुझे, आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो क्या करोगे, SP-P। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक, लेकिन लॉस की बात करेंगे तो क्या करते हैं आप, उल्टा कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट प्राइस बताओ, तो आप क्या करोगे, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। समझ पा रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इस दोनों को हम यहाँ पुट कर देते हैं, प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पुट करेंगे और लॉस के लिए यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस एट लॉस की अगर हम बात करें तो आप बेसिकली आप बोलोगे क्या, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और क्या है, इज इक्वल टू, बोलो, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, एक सेकेंड, इज इक्वल टू क्या, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। लेकिन क्या मुझे बताइए, दोनों इक्वल तो है लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो
कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या थी जब लॉस हुआ था? तो 1.5x, यस और नो? 1.75x। और सेलिंग प्राइस उस समय था आपका कितना? हाँ भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है ना? ओहो, सॉरी सॉरी, कॉस्ट प्राइस नहीं लिखना था यहाँ पे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ अभी, मैं 15 सेकंड से अप्रोच बताया नहीं हूँ आपको। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस क्या है? लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, यस और नो? अरे बोलो, यस। हाँ जी, तो सर अब सीधा सीधा मैं मुद्दे की बात करता हूँ। जब प्रॉफिट हुआ था तो आपका सेलिंग प्राइस कितना था? तो एक का 2.5 रुपये, जब आपको प्रॉफिट की बात कर रहे थे, ठीक है? तो एक्चुअली लॉस वाला आइटम इधर लिखना चाहिए था, ठीक है ना? तो आप मुझे सीधा सीधा बताओ, आप करोगे क्या? बोलो, 2.5x, यस और नो? ठीक है, और आपको क्या हुआ है? बोल नहीं रहे हो, भूल गए क्या तुम लोग? 2.5x माइनस अभी हंड्रेड अभी मैं मिटाया नहीं हूँ, सबूत मेरे पास है, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो मुझे, ये बड़ा बेकार मामला है। देखो, सर 2.5x माइनस 110 इज इक्वल टू 55 प्लस 1.75। यानी एक बात हमें समझ में आया कि 2.5x माइनस 110 इज इक्वल टू क्या? बोलो, लॉस कितने हो फिर? प्लस प्लस 1.75x, ठीक है, राइट? इन दोनों को घटाओगे आपका आएगा 0.75x इज इक्वल टू 165, ठीक है? अब इसको सीधा सीधा 100 यहाँ ला दो, और 25 तीन बार में, 25 चार बार में, ठीक है? तीन से काट लो, ये 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15, एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 220। बट ये भी अप्रोच क्या हो गया? लंबा हो गया। फिलहाल मैं प्रिंट स्क्रीन भेज देता हूँ आपको, बट ये भी अप्रोच क्या है आपका? लंबा हो गया, ठीक है? एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले ये मान के चलना है कि ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना? एग्जाम में जैसे ही आप देखोगे 110 है और यहाँ पे 55 है, इन दोनों को जोड़ोगे, एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस हो रहा है, दोनों को जोड़ो, 155 और 100, सॉरी 55 और 110, जोड़ो कितना है? 165, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे दिया है 2.5 और यहाँ दिया 1.75, दोनों को घटा दो, 2.50, 1.75। वैसे तो मैं माइंड में ही कर देता, 0.75 में 0.25 जोड़ूंगा, 2 बनेगा, और फिर 0.5 बढ़ जाएगा तो 0.75 आ जाएगा, 0.75 आएगा, सीधा सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है कि 165 जो भी वैल्यू हमारा आया था उसको 0.75 से डिवाइड कर देना है, ये सीधा सीधा 100 चला जाएगा, 25 चार बार में, 25 तीन बार में, 3 × 55 बार में, 220 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? ये 15 सेकेंड्स अप्रोच रहेगा आपका। एग्जाम में देखा, इसको इसको जोड़ा, इस दोनों को क्या किया? घटा दिया, और जो सम था यानी टोटल सम अपॉन क्या? डिफरेंस, समझ रहे हो? समझ रहे हो? सम ऑफ प्रॉफिट प्लस लॉस और डिफरेंस ऑफ किसका? किसका बोलो? प्राइस पर पेन प्राइस का, सेलिंग प्राइस का, है ना? सेलिंग प्राइस पर पेन नहीं, टोटल सेलिंग प्राइस, डिफरेंस ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दिया, बस इतना ही करना था। लेकिन मैं ये फॉर्मूला तुम लोग को बोल देता तो शायद याद नहीं रहता, बट इतना ही करना है कि दोनों को जोड़ा दोनों को घटाया, इतना फालतूगिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हालांकि मैं आपको बताया इसलिए क्योंकि अभी तो बता दूंगा, बट एग्जाम में जब लेवल अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप सरेंडर ना कर दो, इसीलिए मेरे ये बताना थोड़ा ज़रूरी मुझे समझ में लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है? समझ में आए सब लोगों को क्वेश्चन? यस और नो? यस? आगे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दिया है आपका, राम ने कंप्यूटर खरीदा 12,500 रुपये में और 300 रुपये खर्च कर दिया, तो मुझे बताओ एक बार तो उसको खरीदने में एग्जैक्ट प्राइस कितना लगा? 12,500। अब उसको रिपेयर में कितना खर्च कर दिया? 300 रुपया, तो ये तो खर्चा ही है ना उसका, तो उसको वो कंप्यूटर कितने का पड़ा? 12,800 का, यस और नो? हाँ जी, लेकिन और भी खर्चे किए हैं उसने, क्या खर्चा किया है? CP3 क्या खर्चा किया? इंस्टॉलेशन में खर्चा कर दिया 300 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन 800 रुपये, इंस्टॉलेशन में। तो मुझे बताओ टोटल CP कितने का पड़ा? 8, 8, 16, 12, 1, 3, 13,600 का पड़ गया, यानी टोटल CP कितना पड़ा उसने? 13,600।
अब आपसे पूछा है कि सामने वाला प्रॉफिट कितना चाहता है, 15%। आपको पता है जो भी कोई चीज खरीद के कोई लाता है वो 100% में लाता है, क्या ये बात आपको पता है? यस और नो? कोई भी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। तो अब सेलिंग प्राइस में उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 115, 15% का। तो आप क्या निकालोगे, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए उसको, क्या होना चाहिए, 100 प्लस 15% ऑफ कितना, 1360। ठीक है, तो 115% ऑफ कितना, 1360। अभी परसेंट से 2 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 136 में 115 मल्टीप्लाई कर लो, और जो करोगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। वही बताओ, 6 5 30 कैरी 3, यस यस और नो? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 5 से 15 6 21, 21 और 3 24 कैरी 2। अब इन तीनों का कर लो, 5 6 5 11 3 14 2 16 6 कैरी 1। अब इन दोनों का कर लो कितना है, 1 3 1 4 1 5, ठीक, और फिर 1 into 1 1 1 5 6 4 0, इसका आंसर हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आया ये सब बात, यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बोलो। वो मल्टीप्लिकेशन का जो था वो आप एक बार बता सकते मुझे हैं? मालूम ही था तुम लोग बोलोगे, मुझे मालूम ही था, बताओ ना। मुझे मालूम ही था। एक्चुअली बेसिक लेक्चर में लिया जाता है, लेकिन ठीक है, अब आपने कह दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, स्टेप ए बी सी पी क्यू आर को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्टेप्स कैसे हैं, पहले आप सी आर को करते हो, सेकेंड में बी आर प्लस सी क्यू को करते हो, थर्ड ऑप्शन था, थर्ड होता है ए आर प्लस पी सी प्लस बी क्यू को करते हो, और चौथा ऑप्शन होता है ए क्यू प्लस बी पी को करते हो, और पांचवा करते हो आप। आपको देखने में बड़े लंबा लग रहा होगा बट ये बहुत आसान तरीका होता है। चलिए आप आपसे ही पूछता हूँ, तैयार हैं आप लोग, यस और नो? इसी को करते हैं। क्या था आपका वैल्यू, 115 × 136, यस और नो? चलो सबसे पहले सी आर को करो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर। सबसे पहले सी आर को करो, 6 5 जा कितना, 30 कैरी 3, यस और नो? अरे बोलो। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद बी आर प्लस सी क्यू करो, यानी बी आर प्लस सी क्यू मतलब ये दोनों क्रॉस, 6 × 1 6 और 5 × 3 15, 15 + 6 21, यस और नो? 5 6 15 + 6 21, 21 + 3 24, यस और नो? अब बचेगा कितना, 2, कैरी ये कट गया। अब आगे आ जाओ, ए आर प्लस पी सी प्लस बी क्यू, यानी अब क्या करना है, इसको मिटा देता हूँ तो कन्फ्यूज़न होगा आपको। देखो, ए आर प्लस पी सी प्लस बी क्यू, इसको करो, 6 1 6 प्लस 5 11, 11 + 3 कितना, 14, यस और नो? 6 × 1 6, 5 × 1 5, 3 × 1 3, हमने तीनों का एक साथ ही कर दिया, 6 5 11 और 3 14, 14 + 2 कितना हो गया, 16 कैरी 1। ठीक है, समझ रहे हो, यस और नो? अरे बोलो। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो अभी क्या करने का, ए क्यू प्लस बी पी, यानी ये दोनों वाला। ठीक है, अब ये कितना है, 1 है, तो 3 1 जा 3 और 1 × 1 1, 3 + 1 4 और 4 + 1 5, ठीक है, 5 हो गए। अब आखिरी में क्या बचता है, ए पी बचता है, यानी सामने सामने वाला, सामने सामने वाला कर दो, बस काम खत्म। ठीक है, सामने सामने कर दो, 1 × 1 इज 1, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए बात को, ये सुनो, ये एल्गोरिथम लिख लो तुम लोग नोटबुक पे, ऐसे ही 3 स्टेप का है। आप मुझे बोलोगे ना, 6 5 4 3 2 9 6 8 2 3, अब इसको मैं मल्टीप्लाई एक ही लाइन में कर दूंगा। ठीक है, लेकिन चलो बाद में जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, यस? अरे बोलो, यस और नो? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका,
यही करवाओगे तुम। महेश परचेस्ड 25 kg ऑफ राइस एट 32 per kg एंड 15 kg ऑफ राइस एट 36 per kg। तो दोनों को मिला दिया उसने और 40 रुपये 40.20 per kg के हिसाब से बेचा उसने, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये आपको दिया गया है। ठीक है, बराबर ना? तो मुझे बताओ कि CP1 है ना और CP2 की वैल्यू कितनी है। तो आप CP1 बोलोगे 25 kg खरीदा 32 रुपये के हिसाब से, तो CP1 कितना हुआ, 25 × 32, यस और नो? यस और नो? 25 दिया 75, 750, 750 और 50 कितना हो गया, 800, है ना? समझ में आया मैंने कैसे किया? अभी देखो 25 × 32 करना है ना जी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 25 × 30 + 2, तो 25 × 30 कितना हो गया, 750, 25 × 2 कितना हो गया, 50, मैंने माइंड में ही कर दिया 800। समझ रहे हो नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया। कुछ चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि मैं अलग से उसके लिए सेपरेटली लेक्चर क्या लूँगा आपके लिए। तो ये 800 हो गया, यानी पहले कैटेगरी का राइस उसने 800 रुपये के रेट से खरीद लिया उसने। ठीक है, खरीदा है, देखो परचेज लिखा है, एंड 15 kg ऑफ राइस 36 के हिसाब से, तो 15 का मतलब हो गया 15 दिया 450, 15 × 90 540 रुपये हो गया। ठीक है, अरे समझ रहे हो, 15 × 90 और 15 × 30 450, 450 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 540। ये हो गया मामला। तो जरा आप ईमानदारी से मुझे बताएंगे कि मिक्स कर दिया और बेच दिया, तो मुझे मुझे बताओ टोटल क्वांटिटी उसके पास है कितना, ईमानदारी से बताओ टोटल क्वांटिटी कितना है, प्राइस नहीं, क्वांटिटी कितना है, टोटल चावल कितना खरीद के लाया वो, 47 किलो 25 kg प्लस 15 kg, तो ये जो हो गया मामला, 25 और 15 40 kg खरीद के लाया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। इसमें हम मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सामने वाले ने मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर को कैसे, मिक्सचर कर दिया, मिक्स कर दिया, तो पर केजी क्या रेट से बेच रहा है वो, 40 रुपये पर केजी, 40.20, और कितना केजी बेचेगा वो, तो आप बोलोगे इसको बेचेगा, ठीक है, तो इसको जरा गुना करो कितना होता है। तो ये तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, 4 × 2 = 8, 0 × 4 = 16, है ना, दिख रहा है कि नहीं, वैसे लिखा ना मैंने, 40 4 0 2 0 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 = 8, 0 × 4 = 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, तो टेक्निकली ये कितना पैसा हो गया, 1608 रुपया, क्योंकि 2 0 तो कट करके हट जाएगा ना पॉइंट से। अरे नहीं समझते हो, ये करोगे तो 100 नीचे आएगा, तो 1 0 यहाँ से कटो, 1 0 से यहाँ से नहीं कटोगे, हाँ, तो 4 × 2 = 8, 0 × 4 = 16, 1608 रुपया हो गया। अब मैं ये सब नहीं बत मैं को नहीं लगता है कि ये सब बताने की जरूरत है आपको, आप इतने इंटेलिजेंट हो। तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना है, तो आप बोलोगे 1608 रुपया, यस, 1608 रुपये के रेट से बेच दिया, लेकिन वो खरीद के कितने में लाया था, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लगा, उसको घर का रेट कितना पड़ा, 800 रुपया प्लस 540 रुपया, यस, कितना हो गया, 1340 रुपया हुआ, 1340 रुपया। तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस था आपका और ये टोटल सेलिंग प्राइस था इसका, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना कमाई हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, SP - CP/CP × 100, ये सुनो, तो 1608 - 1340 बटा कॉस्ट प्राइस लिख दो, 1340 × कितना, 100। ठीक है, अभी घटाओ इसको कितना आता है, 1608 लिखा हुआ ये, तो 1608 से घटाओ, 1608 से 1340 घटाओ, है ना, ये 8 हो गया और ये तुम्हारा 10 में 4 गया, 6 हो गया, एकदम आराम आराम से कर रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। बचा यहाँ पे कितना, 5 5 × 3 गया 2, 268, 268 अपॉन 1340 × कितना, 100, ये 0 यहाँ से काट लो, ये 2 टाइम्स में कट गया, 20% आंसर आ गया। अब ये सब फालतूगिरी करोगे क्या, 33.5, 40.20, इतना लंबा जाने के सर बाद, हाँ बोलो, सर पूरा समझाए, बस ये प्रॉफिट का जो परसेंट आपने लिख लिखा ना, ये वैल्यूज सर हाँ वो कैलकुलेशन में समझा मेरे को, बट ये जो आपने नंबर्स लिखे ना, 1608, ये जो आपने नंबर्स डाले ना वहाँ, वो कैसे आया, वो ये अपना डिफरेंस वाला फॉर्मूला है बाबू, परसेंटेज लिया जाए। फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP / CP × 100 होता है, अच्छा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ना।
सेलिंग प्राइस माइनस ओके कॉस्ट सर, फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये सब तो हमने मजदूरी कर लिया, मेहनत कर लिया, बट हमें क्वेश्चन तो सॉल्व करना होता है 15 सेकंड में, सही बात है कि नहीं? हाँ जी, बट इतना सब यस करेंगे तो सर, कैसे काम चलेगा। हालांकि मैं लिख जरूर रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा क्या है बेनिफिट हो, और बाद में आप लोग नोट्स वोट्स प्रॉपर बना सको, नहीं तो फिर पता चला हवाई उड़ान भर दिया तो पता चला मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो टेलीग्राम में आपको भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, अभी इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। देखो, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो पहली बात तो एक बात तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारा कैलकुलेशन स्पीड क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? अरे बोलो, है ना, जिस तरह से मैं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को जैसे ही क्वेश्चन आया तो मुझे समझ में आ गया, स्ट्राइक कर गया कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया है पहले। तो 25 × 2 50, 25 × 30 750, ये पहला सीपी हो गया। 15 × 6 90, 15 × 30 450 जोड़ दिया। ठीक है, बराबर ना, ये निकाल दिया, 5 5 10 कैरी 1, 7 5 12 1, 450 कर दिया, नहीं नहीं 540, सॉरी 540, 540 हुआ था ना, ऊपर का आठ, हाँ सर, ऊपर का 800 रहेगा ना? तुम समझे ही नहीं बाबू, देखो फिर से गड़बड़ कर दिया। नहीं, पच्चीस इंटू रुको पच्चीस रुको इंटू रुको, रुको, बत्तीस रिलैक्स 800 होता है ना? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, 800 आएगा। ठीक है, कर देते हैं, फिर से मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। CP1 का वैल्यू कितना आया, CP1 का वैल्यू कितना आया, 25 × 2 50 800। ठीक है, CP2 का वैल्यू कितना आया, फटाफट ये सब लिख जरूर रहे हैं बट एग्जाम में नहीं लिखने वाले अपन, 15 × 6 90, 15 × 30 450, 450 और 90 होता है कितना, 540। ठीक है, तो ये आ गया टोटल CP कितना आ गया, 1340। ठीक, आगे बात करते हैं, ये 40.20 है और 25 kg इधर है और 15 kg इधर है, कितना हो गया 40 kg। तो 40 kg जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, टोटल क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो 40 kg × कितना करना पड़ेगा मुझे, 40.20। और 0.20 जब हटेगा तो जो जीरो नीचे आएगा ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 4 × 2 8, 8 और 4 0, 4 4 16, 1608 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, ये क्वांटिटी आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है भाई, ये सॉरी टोटल सेलिंग प्राइस आया, यस और नो? सेलिंग प्राइस आया ना, है ना, टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 1340, 1608 से हम 1340 घटा देंगे और अपन 1340 × 100 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 20% आ जाएगा। क्लियर है? यस, हाँ जी, लेकिन ये सब जो मैंने पेन से लिखा ये लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर आप लिख रहे हो तो फिर तो फेल हो जाओगे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, टाइम नहीं बचेगा, अगर आप लिखने बैठ गए फिर गया मामला, फिर आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं स्टूडेंट बन के बात करूँ तो मैं देखूँगा कि भाई क्या है जी, 25 × 50 और 25 × 50 750 800, ठीक है, इतना लिख दूंगा एग्ज़ाम के टाइम पे, 15 × 6 90, 450, 450 540, कितना आ गया, 1340। देखो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है, फिर 40.20 आ गया, 25 और कितना है 15, 40 × 40 को कल्टी करना, यानी सीधा 4 से करना है, 4 × 2 8 0, 1608 आ गया, 1340 से मैं 1608 घटा दूंगा, 1340 घटा दिया मैंने, 8 आ गया, और ये 10 में 4 गया, कितना आ गया 6, और यहाँ पे 2 आ गया, 268 मुझे तुरंत दिख रहा है कि ये किसका कितना टाइम से, कितने टाइम से, 2 टाइम से, यानी 20%, 2 टाइम से, तो 20% इसका आंसर हो गया। तो वो सब भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता ही है कि इसका डिफरेंस जो है 268 आया और नीचे 1340 आना ही है, तो 134 का ये डबल है और 00 कटना ही कटना है 100 से, तो कोई टेंशन नहीं, अपन सीधा सीधा 20% इसका आंसर लगा देंगे। क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, यस, समझ आ रही है बात, यस सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिर अपन सोच रहे हैं कि दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें, नहीं तो फिर पता चला कि महीना भर में एक ही टॉपिक करोगे तुम लोग, ठीक है, ये तो मामला ख़राब हो जाएगा फिर। ठीक है, हालांकि मेरे माइंड में एक प्लान है, आप लोग सजेस्ट करो कि क्या आप लोग इसके लिए एग्री हो। देखो, दो बैच चलते हैं यहाँ पे, राइट, एक चलता है 1:30 to 3:30, आप लोग बताना मुझे क्या है नहीं, और दूसरा बैच चलता है 6:30 to 8:30, समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? अरे सुन रहे हो? हाँ जी, यस तो मैं सर, ये सोच रहा हूँ कि जैसे मंडे है, आज मंडे है, तो मंडे को अगर मैं यहाँ पे 10
10 मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया 1 से 20 कराया। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ 6:30 में, मैं सीधा 21 से 40 कराता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों आप लोग लिंक ही मुझे भेजना है, तो मैं आपको भेज देता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। 6:30 आप लोग को टाइम मिलेगा तो आना, नहीं मिलेगा तो मत आना, चालेल का तुम्हारा। सर, लेकिन सर मेरे ऐसे एक दो लोग स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन लेक्चर और ऑफलाइन लेक्चर दोनों अटेंड करते हैं, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर आप ये सिक्स सुनो, थर्टी ये को लेक्चर रख 1 मिनट सुनो, मैं किसी स्टूडेंट का मुझे प्राइवेटली बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो आप गेस्ट हो, यहाँ पे आप कौन हो, गेस्ट हो, आओ तो अच्छी बात है, नहीं आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो 1 से 20 आपको कराया है, 21 से 40 होमवर्क मिल जाएगा, किसको किसको मिल जाएगा, आफ्टरनून बैच वाले को। अब मैंने 21 से 40 क्वेश्चन कराया है, तो ये 1 से 20 किसको होमवर्क मिल जाएगा, अरे बोलो, इवनिंग वाले को। सर। तो इसमें तुम्हारा विन इन पोजीशन है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर है कि ज्यादा लेट नहीं करने का। फिर मैं फिर उसके बाद क्या 6:30 से स्टार्ट करूंगा गाड़ी और 7 बजे अकाउंट क्लोज कर दूंगा, 7 बजे के बाद एंट्री अलाउ नहीं करूंगा। नहीं तो पता चला जिसको जब मन आ रहा है अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। तो आप लोग सजेस्ट करो कि आप लोग को लिंक चाहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हेड ऑफिस में मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि अगर आपको 6:30 का भी लिंक चाहिए तो मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दूंगा। और 1:30 वाले को भेज दूंगा 6:30 का, और 6:30 बच्चे वालों को भी भेज दूंगा 1:30 का, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे, समझ रहे हो। तो ये मामला है। तो अब आप बताओ मुझे क्या करना है, ताकि क्या सिलेबस भी थोड़ा जल्दी होगा और काम भी जल्दी होगा। क्योंकि फिर आप बोलोगे सर इसमें तो हमने 15 ही क्वेश्चन किया, सही बात है कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, बोलिए। हालांकि यूट्यूब पे आता है वीडियो, लेकिन लाइव लेक्चर का बात अलग होता है ना, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बताओ। हाँ जी, यस, हाँ सर, फर्क पड़ता है ना। तो आप जैसा बोलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं 15 क्वेश्चन करा के बोलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो फिर मजा मुझे भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, सही बात है कि नहीं। लेकिन आपने टेक्निकली 2 लेक्चर अटेंड कर लिया सेम डे, और फिर अगले दिन 2 लेक्चर किया, तो मान लो इसमें 20 क्वेश्चन कर लिया, 20 नहीं 30, तो 20 ही पकड़ लो सपोज, 20 यहाँ कर लिया, तो 40 क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ना आपको मंडे मंडे में। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते तो चिंता नहीं है, अगर आप ऑफलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है आपका वाइल्ड सेलिंग ए वॉच, वही बताओ क्या आप लोगों को लिंक चाहिए शाम का भी, यस टेल मी, हाँ सर, भेज दीजिए आना होगा तो ये आना, नहीं तो। आना होगा तो आना, हाँ नहीं आना होगा तो मत आना, कोई दिक्कत, जल्द कंपलसरी थोड़ी है। ठीक है, और इवनिंग बैच वाले को अगर लगेगा कि ऑफिस का टाइमिंग है, ये है वो है, आना होगा तो आएंगे, नहीं आएंगे तो वैल्यू एडिशन है ना, राइट। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं भेज दिया करूँगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। वाइल सेलिंग ए वॉच ए शॉपकीपर गिफ्ट, लेकिन एक बात याद रखिएगा, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहेगा टाइम का, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं ना, 40+ स्टूडेंट हो जाते हैं, तो क्या डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है अगर आप लेट आएंगे। क्योंकि मैं मतलब मैक्सिमम आधा घंटे तक आपको वो कर पाऊंगा, नहीं तो फिर पता चला जिसको जब मन हो रहा है आ रहे हैं, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो आधा घंटे के आधा आधा घंटा तक हमें आपको लिबरल रह सकता हूँ, बट उसके आगे सबको दिक्कत आएगी, जैसे ही 50+ स्टूडेंट हो जाते हैं लाइन पे तो दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक घड़ी को बेचना है, एक शॉपकीपर डिस्काउंट देता है 15% का। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 15%। ठीक है, एक घड़ी बेच रहा है एक आदमी, है ना, और कितना का डिस्काउंट देता है, 100%, 15% का। समझ पा रहे हैं, यस और नो, बोलिए। यस, लेकिन यस अगर वो 20% डिस्काउंट देता तो उसको प्रॉफिट 51 रुपये कम होता। अगर वो 20% प्रॉफिट डिस्काउंट देता तो 51% कम कमाई होती, आप खुद ही बताओ। चलो अपन लॉजिकल बात करते हैं, सपोज कि कोई प्रोडक्ट का दाम है 450 रुपया, मान लो, अगर कितना है 450, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, मैंने वैसे आपको बताया भी था, बट ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से देखते जाएंगे।
450 रुपये। अगर इसके ऊपर वो 15% का डिस्काउंट देगा, -15%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? और अगर उसको 20% को देगा, मेरी बात समझ रहे हो, 20% को देगा डिस्काउंट, तो उसका सेलिंग प्राइस दूसरा आएगा। तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, करके बताऊं? 15 × 75, 15 × 60, 675। तो प्रॉफिट में ज्यादा है सेलिंग प्राइस। तो ये वाले में ज्यादा होगा ना, SP1 में ज्यादा प्रॉफिट, SP1 ज्यादा रहा होगा, कम डिस्काउंट दोगे तो हाँ ज्यादा ज्यादा में बेचे होंगे, सर, और हाँ SP2 में कम में बेचे होगे तुम, क्योंकि ज्यादा डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को। तो ये तो बेसिक बातें थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना रुपीज का है? इन दोनों का जो डिफरेंस निकला सेलिंग प्राइस वन और सेलिंग प्राइस रुपीज कितने का है? 51 रुपये का। लेस प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का डिफरेंस, यस और नो? 51 रुपीज का डिफरेंस आ गया। तो आपसे पूछा ओरिजिनल प्राइस कितना था, उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, क्या आपको लोग समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कुछ लोग इसको फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, नॉट ए प्रॉब्लम। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं, अपन ईमानदारी से बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई किसी भी मार्क्ड प्राइस कोई प्रोडक्ट होता है, उसमें 100% लिखा रहता है। हाँ जी, यस और नो? बोलिए, यस और नो, Yes. राइट? अब मुझे बताइए, जब आप 100% में बेचते, मतलब जितना MRP था उतने में ही बेचते, तो आपको क्या होता? प्रॉफिट होता, मैक्सिमम प्रॉफिट होता। तो चलिए, सेलिंग प्राइस वन, पहले वाले में आपने डिस्काउंट कितना दिया? -15% का, यस और नो? जब आपने -15% का प्रॉफिट लिया, तो आपने बेचा किस रेट से? 85% में ही बेच दिया उस प्रोडक्ट को। बोलिए, यस और नो? सही है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन अगली बार अगर आप 20% प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट में बेचते, डिस्काउंट में बेचते बेचते 20% डिस्काउंट में बेचते 20% डिस्काउंट में बेचते, तो क्या होता? 80% के ही रेट में बेच देते आप, यस और नो? तो मुझे बताइए, ये जो डिफरेंस है कितने परसेंट का है? 5% का डिफरेंस है। 5% का डिफरेंस कितने रुपए के बराबर है? 51 रुपए के बराबर, यस और नो? है ना? तो मार्ट प्राइस है कितना? 100%। पार्टी ओवर। 51/5 × 100, 5 20 बार में काट दो, 51 × 20 कितना होता है? 1020, यही इसका आंसर है। समझ आया? अरे बोलो, यस अब इस क्वेश्चन में पेन भी चलाना नहीं था, ईमानदारी से बात करूं मैं तुमसे, तो एकदम फालतू क्वेश्चन है, एक नंबर का। मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ तुम लोगों को। एक सेकेंड, कहाँ गया यार? देखो, इस क्वेश्चन को आता तो हम लोग कैसे सॉल्व करते? हार्डली 5 सेकेंड तो नहीं, अपन 10 सेकेंड में तो ईमानदारी से कर ही लेते। मिटा दो उसको, मिटा दूँ? यस, बोलिए। अच्छा ठीक है, देखिए सीधा सीधा ईमानदारी है, क्वेश्चन दिखा कैसे सॉल्व करने का। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है? 20 है। ठीक है, 100 में 15 घटाएंगे 85 आएगा, 100 में 20 घटाएंगे 20 आएगा, 100 में अब 20 घटाएंगे 80 आएगा, राइट? कितना है? 5, 5% कितने के बराबर? 51 के बराबर। तो 100%, इसको 5 को 100 बनाने के लिए किससे करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई, तो इसको किससे करेंगे? 20 से 2, 102, 10 चिपका दो, आंसर आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, यस? अरे बोलो। हाँ जी, यस स्क्रीनशॉट इसका ही भेज देता, पता नहीं कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा, तुम देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है एग्जाम। अब देखो, कुछ बच्चा ऐसे करेगा, एक्स वैक्स लगा के, फॉर्मूला लगा के, तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? चलो आगे बात करते हैं। तुम लोग यही काम करवाओगे मेरे से कि कुछ नया पढ़ने का इरादा है? भाई बता दो। ए शॉपकीपर परचेज 250 45 पीसेस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹30 पर पीस। ही स्पेंट ₹980 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ₹1470 ऑन पैकिंग द मटेरियल्स। अच्छा जी, किस रेट से बेचा? ये तो तुम लोग कर लोगे ना? फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एक आर्टिकल का 30 रुपया,
तो 245 का कितना हुआ? डायरेक्ट करूँ चलेगा आपको? थ्योरी बताने की जरूरत है क्या? 5 तिया 15, 24 तिया 72 और 73, यस और नो? ये टोटल सीपी हुआ, यस और नो? अरे बोलो यस और नो। लेकिन अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है। देखो 980 रुपया किसमें खर्चा कर दिया उसने? ट्रांसपोर्ट पे कर दिया। और पैकिंग में कितना खर्चा कर दिया? 1470 रुपये। जोड़ दो सबको, जीरो कितना हो गया जी? 8 2 10 5 15, 5 20 की सुनना, कैरी 2, 9 4 13 16, 2 18 कैरी 1, 7 1 8, 1 9, 9800 रुपीज़ का टोटल सीपी पड़ गया उसको। अब मुझे बता 1 रुपये एक पीस को कितने में बेचा उसने? टोटल एसपी बताओ, एक को बेचा 50 रुपये में, तो उसके पास आर्टिकल कितने हैं? 245 है ना? हाँ सुगुना कर लो, 25 25 24 25 120, 120 122। मैं गड़बड़ किया ना, रुको रुको, 50 है ना, सॉरी। तो 50, 5 को मल्टीप्लाई करो, 25 25 के 5 24 25 120, 5 125, ठीक है, इंटू 125 आ गया तुम्हारा। सीधा सीधा 245 से ही कर दो ना, कहाँ टेंशन लेने की बात है। 245 कर लो। मुझे बताओ कि 245 का कॉस्ट प्राइस इतना है, यस और नो? 245 का कॉस्ट प्राइस इतना है, यस और नो? तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? क्योंकि इन्होंने एक का दिया है ना, तो काम हो जाएगा। एक कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पीस 9800 बाई 248, 245 कर सकते हैं ना? बोलो यस और नो? बोलो, एक का दाम निकल जाएगा, 5 से कर लो। वैसे तो 25 से भी कर सकते हैं, लेकिन 5 से कर लो। 5 और 20 4 5, 5 और 20 4, 5 और 45 5, 5 और 45 3, 5 36, 9800 ना? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? रुको क्या हो रहा है यहाँ पे? 24 24.9, हाँ ठीक है, 5 और 20 4, 5 और 45, ठीक है, 5 और 9, अरे रे रे, सॉरी 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 सॉरी, 19 25 95 होगा ना, 3 बचेगा, 3 ऐसा, ठीक है, 19 25 95 और 3 बचेगा, 5 36, सही है, 0 1 9 6 0। अब कर लो इसको, कितने बार में कटेगा? 49 का डबल 98, 98 का डबल 196, ठीक है, 40 आ गया। यानी एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 रुपये। बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस ऑफ वन पीस कितना है? 50 रुपया। एक कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पीस कितना हो गया? 40 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100, 50 माइनस 40 बटा 40 इंटू 100, ठीक है, तो 10 बटा 40 इंटू 100, ये 4 बार में कट गया, 4 25 बार में कट गया, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे उतना ईजी रहेगा, ठीक है। अब इसमें बताने लायक कुछ है तो नहीं, ये सॉल्व, एक ही क्वेश्चन में बार बार क्यों बताऊँ, बस कैलकुलेशन फास्ट कर लेना अपना, ठीक है, यस और नो? नहीं बोलोगे? यस यस सर, यस सर, आटा ही देता है, बार बार तकलीफ दे रहा है। हाँ तो कहाँ पहुंच गए थे अपन? देखिए, देखो एक आर्टिकल है, तो क्या चाहते हो तुम लोग? एवरेज पढ़ना चाहते हो कि इसी को कंटिन्यू करें? जैसा बोलो बोलो। नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगारिथम, तो लोगारिथम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। लोगारिथम तो आता ही नहीं एग्जाम में, ट्रिग सर ट्रिगो आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज डिफरेंट एंड लोगारिथम इज डिफरेंट। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको लेक्चर अटेंड करना है तो वेडनेसडे और फ्राइडे को एनडीए का लेक्चर होता है, और एनडीए कौन कंडक्ट कराती है? यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों सर एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट किया था, बट मेरे को एंड मैंने ये भी बोला था कि आपने रेकमेंड किए थे, बट मुझे अब तक ऐड ही नहीं किए थे, ना ही कोई रिस्पॉन्स आया था मेरे को आपसे। ऐड नहीं किया जा सकता है आपको बैच में, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, और जो बच्चा आना चाहे आ जाए, जो एसएससी का तैयारी कर रहा है वो एनडीए का लेक्चर ज्वाइन कर ले, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। सर तो लिंक सेंड कर देना ना व्हाट्सएप ग्रुप हाँ, में, या तो कोई आप भी ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको चाहते हो कि मैं एनडीए ग्रुप पे भी ज्वाइन करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो दिन भर। हाँ वैसे भी सर, यूट्यूब पे बहुत सारे मार्केट में लोग हैं,
सुबह में जीके पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स, फिर इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिर रीजनिंग पढ़ाते हैं, फिर मैथ पढ़ाते हैं, सारा यूट्यूब पे लोग पढ़ते रहते हैं, तो आपको ही पढ़ना है, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे भी 8 घंटे तो मैं पढ़ाता ही हूँ, 6 घंटे तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक टर्म्स एंड कंडीशन है, पूछो क्या। टाइम सर? पे आना पड़ेगा, अगर 15 मिनट से ज़्यादा डिले किए तो मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि आप वहाँ पे मेहमान हो, और मेहमान की खातिरदारी हम 1 दिन 2 दिन करते हैं, बराबर ना। अगर वो मेहमान क्या करें, ग्रांटेड ले लें, तो फिर मज़ा नहीं आता। यानी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ तो टाइम पे आना पड़ेगा। अगर 5 बजे का लॉग इन है तो आपको 5:15 या मैक्सिमम 5:30 तक लॉग इन कर लेना है, उसके बाद सर, आइएगा। तो एनडीए के बच्चों को तो मैं अलाउ कर दूंगा लेट भी, अगर वो आगे पीछे हुआ, हालांकि एनडीए के बच्चे को इतना मैंने टाइट करके रखा है कि वो लेट होते नहीं है, बट फिर भी अगर लेट हो जाते हैं तो मैं अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो उनका स्पेशलिटी है, बट अगर आप लेट होंगे तो फिर मैं अलाउ नहीं करूँगा, समझ रहे हो। तो जो लोग SSC का तैयारी कर रहे हो, तो एनडीए में भी मैं ग्रुप भेज देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो SSC CGL का जो एडवांस मैथ है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री चल रहा है अभी उसमें, एनडीए बैच में अभी ज्योमेट्री, आज ज्योमेट्री है, ठीक है, वेडनेसडे और फ्राइडे को मैथ्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा, ठीक है, लेवल थोड़ा हाई होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली। एक क्वेश्चन है, एक डाउट है सर। तो ऐसा ही ग्रुप कोई स्पेशल मतलब यूपीएससी लेवल के लिए नहीं है, जो मतलब बच्चे आईएएस के लिए कर रहे हैं? हाँ है ना, UPSC का बैच है ना, बिल्कुल आपको ज्वाइन कराया गया होगा। नहीं सर, हम लोग बहुत सारे आईएएस स्टूडेंट हम अंदर है, वो हम उसमें लोगों को जो जीके स्पेशल नोट भी आपका मिला है। आपका जो UPSC का लेक्चर होता है ना, उसके लिए मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया है, वो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी जो CSAT के लिए वो अलग ग्रुप है UPSC। ये देखो, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो यहीं पर देख सकते हो आप, शायद इसमें मैं हूँ या नहीं हूँ, मैंने मेरे दूसरे वाले नंबर जुड़े हुए हैं, ऐड किया हुआ है, तो UPSC के लिए अलग ग्रुप भी है, ठीक है। तो आप जो आप बोल देना, रिक्वेस्ट कर देना ग्रुप पे, है ना, आपका जो नॉर्मल ग्रुप है उस पर डाल दो कि सर काइंडली एंड मी इन UPSC ग्रुप, आपको जोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उस वाले UPSC ग्रुप में जो CSAT का पार्ट है, वो CSAT का पार्ट नहीं होगा उसमें, वो वाला GS Paper 2 का होगा, ठीक है, और CSAT का पार्ट है आपको यहाँ पे कवर करना होगा NDA वाले लेक्चर में, एडवांस पार्ट के लिए, और बाकी जो पार्ट है, ठीक है, बाकी जो है इंग्लिश, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, जीके नहीं मतलब इंग्लिश है, वो पार्ट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी तो करा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एनडीए का लेक्चर अगर ज्वाइन कर लेते हो उसमें, ठीक है, तो हालांकि अलाउड है नहीं, मुझे थोड़ा बात करनी पड़ेगी हेड ऑफिस में, ठीक है, लेकिन सर अलाउड बट है। मैं तो यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, एंड मेरे को इन्फॉर्म भी नहीं हुआ था कि ऐसे ग्रुप स्पेशली बने बने भी हैं। बने बने होंगे, बने हैं, लेकिन पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी हाल फिलहाल में ही बना है, 3 4 दिन पहले ही बना है, तो इसमें चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी वो फिल्टर कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो काम चल रहा था उस पर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर तो आप ग्रुप में डाल देंगे ना वो एनडीए वाला लिंक? हाँ बात डाल दूंगा, आज सुबह डाल दूंगा, जी जी एनडीए वाला का लिंक तुम लोग के ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ ऐसा उल्टा कैसे बोल रहे हो? सॉरी सॉरी। हाँ तो सर, पता, दोनों ग्रुप के लिंक डाल देना प्लीज। हाँ ठीक है, तो आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जी लंच वंच थैंक बराबर यू सर। तरीके से करके आना, ठीक है, काफ़ी एनर्जी लगती है। मैं भी सामने में लेक्चर लेते हैं, इसमें फ्रूट्स वगैरह रखे रहता हूँ, 6 घंटे लोग लगातार मुझे कॉल सेंटर वाली फीलिंग आती है, ठीक है। चलो, एक आर्टिकल है 504 रुपये में बेचा जा रहा है, सेल पे है वो, ठीक है, सेल पे है, आप भी जानते हो सेल पे जब होता है कोई चीज़, आप खरीदने से पहले क्या सोचते हो, भाई 10% डिस्काउंट है, MRP देखते हो 1,000 का है, तो माइंड में आपके क्या चलता है, MRP क्या चलता है, MRP क्या चलता है, MRP 100 100 रुपीज़ चलता है, मतलब अगर 1,000 रुपये का है, 1,000 रुपये का चीज़ है, 1,000 रुपये का है, तो आपके माइंड में चलता है 100 रुपये का डिस्काउंट 900 का पड़ेगा। अब आप देखते हो अपने वॉलेट में या पर्स में 900 रुपये आपके हैं क्या, अगर होते हैं तो आप ले लेते हो, है ना, नहीं होते तो फिर दूसरा प्रोडक्ट देखते हो, है ना, ये बात हो जाती है। चलिए, तो अभी अपन ईमानदारी से मुझे बताओ, अगर सामने वाले ने 5% का सेल लगाया है, ठीक है, 5% का क्या लगाया है, सेल लगाया है, ठीक है, हालांकि इसका मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बता दूंगा, बोले इससे लास्ट टाइम बताया भी था मैंने, जहाँ तक कि मुझे धुंधला धुंधला याद है थोड़ा, ठीक है। तो 504 रुपये का है
और डिस्काउंट दिया 5%, तो सेलिंग प्राइस किया कितने में? 95% पे, यस और नो? हाँ जी, 95% में बेचा उसने, यस और नो? यस अब मुझे बताओ कि व्हाट कुड बी द परचेज प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100%, यस और नो? लेकिन जब वो यस 95% के रेट से बेचा तब भी उसने प्रॉफिट कितने का किया? 20% का, यानी 120% 95 यूनिट के बराबर है। ठीक है, 120%, आप समझना जरा ध्यान से, कि फिर भी उस कितने परसेंट का प्रॉफिट कर लेता है, कितना प्रॉफिट कर लेता है बताओ? 94 20% का प्रॉफिट कर लेता है ना, कितने का प्रॉफिट कर देता है? 20% का बीस प्रॉफिट कर देता है। परसेंट ठीक है, तो जरा आपको ध्यान से समझना होगा कि उसने प्रोडक्ट को बेच कितने में रहा है। तो 95% ऑफ 504, जरा सॉल्व करो उसको कितना आता है। ठीक है, तो आप करोगे 95/100 इंटू कितना? 504। भाई इसी रेट से बेच रहा है ना प्रोडक्ट को वो, ये सुनो, इसको बाद में देखेंगे अपन, इसको बाद में देखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 95% ऑफ 504, आप इसको सॉल्व कर लो, 5 19 बार में, 5 20 बार में। ठीक है, देखो 19 × 4 हो गया कितना? 76, यस और नो? और 19 × 5 कितना होता है? 95, यस और नो? बोलो, वैसे तो आपको पता चल रहा है कि नहीं, भगवान जाने। क्या मैं 19 को 19 × 504 करना है, मैं आपको टेक्निक बताते जाता हूँ, क्या मैं इसको 20 - 1 लिख सकता हूँ इंटू 504? बोलो, लिख सकता हूँ? ये कितना हो गया? 1080, यस और नो? अरे क्या हम बेकार आदमी हो तुम लोग जी, नहीं हुआ क्या? 1080 नहीं, 1008 है ना, 1008 -504, सर नहीं समझा। बड़ा बेकार मामला है, देखो इधर। अरे मैं बोल रहा हूँ आपको 19 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, अगर बिना पेन चलाए करना होता तो मैं क्या करता, 19 को कोई भी नंबर को 0 के नज़दीक ले जाओ, आपका काम आसान हो जाता है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मेरे हर बात पे ध्यान देना, मैं इसके लिए स्पेशल लेक्चर लेता हूँ जनरली, इंटू 504, जब मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक सिखा रहा होता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाया, 504 × 20 करोगे तो 2 करोगे तो कितना आएगा? 08, और 5 × 2 1008, माइनस कितना? माइनस कितना 501 है ना? 504 एक सेकेंड, एक हजार आठ -504, यस और नो? ठीक है, 1008 में हमने क्या घटा दिया? 504 घटा दिया, कितना आएगा? ये 4 घट गया, और यहाँ कितना आ गया? ये सीधा सीधा 0, और कितना हो गया? 504, यस और नो? अरे बोलो, यस और नो? यस सही है, 504 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन कितना कितना करना होगा हमें? इंटू 504 हमने कर लिया, और कितना करना है हमको? डिवाइड बाय 2 करना है। बताओ मुझे कितना आ रहा है? रुको, मैं थोड़ा ही छोटा, ज़्यादा गंदा हो गया ये, एक सेकेंड रुको, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ चलिए, मुझे दो काम एक साथ करना पड़ रहा था। ठीक है, तो मुझे बताओ, सीधा सीधा मैं आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ क्या, कि 95% ऑफ कितना पूछा मैंने आपसे? 504, यस और नो? 5 19 बार में, 5 20 बार में, ठीक है, यस? ठीक है, 19 को हम क्या ले सकते हैं? 20 - 1 इंटू कितना? 504। 504 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1008। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या एक जीरो और लगेगा? नहीं लगेगा? बोलो, अरे कमाल के लोग हो जी तुम लोग, 20 से कर रहे हो ना, तो 000 लगेगा। 504 का डबल कितना होता है? 08 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, 10080 आएगा ना बाबू, यस और नो? अब घटाओगे 504, ये गड़बड़ी हो रही थी, तो अब 504 घटाओ जरा, 504, तो कितना आएगा? 10 में 4 गया, 6 बचा, यहाँ कितना? 7। फिर उसके बाद क्या बचा? ये तो सीधा सीधा 10 ही रहेगा, 10 में 5 गया 5, और बचेगा 9, कितना आ गया? 9576, क्लियर है? अपॉन कितना करना है? 20, कितना करना है? 20, इसको कर लो कितना आएगा? 47 का डबल, और 8 आ गया 0.80, ठीक है, 478.80, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन ये जो है,
इसमें कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है, कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है बताओ, इसमें कितना प्रॉफिट, 20%. 20% का प्रॉफिट छुपा हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस हुआ कितने में था, 120% में हुआ था, यस और नो बोलो, यस। तो अगर 120% 478.80 था तो 100% कितना होगा, करो 478.80 अपॉन 120 × 100, अब ये पॉइंट उड़ा दो 100 नीचे आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो टेक्निकली ये 0 0 कट गया, तो मेरे पास बचा क्या 478.80/12, ठीक है। अब इसको काट लो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, 4 से तो वैसे काट लो, 4 या 12, वैसे तो मैं डायरेक्ट ही काट देता 12 से, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा आराम आराम से कर लूँ, 4 या 12, 4 11 चौक 44 है ना, 3 बचेगा, ठीक है। अरे बोलो, 4 से कर रहे हैं ना, 4 11 जा 44, 3 बचेगा तो कितना हुआ 38, यस तो 3 बचेगा 38, तो 4 9 जा 36 + 2 7, ठीक है। अब इसको काट लो, 3 3 9, 2 3 नंबर 27, 2 3 नंबर 27, कितना आ गया 399 इसका आंसर हो गया। तो कोई फॉर्मूला हमने नहीं लगाया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको पता है इसमें प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन था बस, और कुछ सेलिंग प्राइस जो था यही था, 95% ऑफ 504 हमने निकाल दिया, और 120% इतने के बराबर है तो 100% कितने के बराबर, यानी 100, आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100% होता है, ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100% के बराबर होता है, यस और नो, ठीक है। तो मैं बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, स्क्रीन शॉट भेज देता हूँ, दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बात करते हैं, अगर मुझे बात करना है इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे 504 है, 9 ठीक है, यहाँ पर अगर अपन 95% कितने के बराबर है, 504 के बराबर, यस और नो, यस और नो, अरे बोलो ना, यस और नो, यस सर, तो 120% कितने के बराबर होगा, 504/95 × 120, करो तो जरा कितना आता है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं भी चेक कर लूँ भाई, करो तो कैलकुलेटर में, कोई दिक्कत नहीं, करो कैलकुलेटर मोबाइल में, इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, एक एक करके मैं ट्विंकल ट्विंकल की तरह बताऊँ, 504 × 120 डिवाइड बाय 95, नहीं, ऐसे नहीं आया ये, अच्छा प्राइस निकालना पड़ेगा, बिना प्राइस निकाले नहीं होगा, निकालना ही पड़ेगा, 95% ऑफ निकालना पड़ेगा, सॉरी 95% ऑफ 504, तो ये वैल्यू कितना आएगा 478.80। अब क्या करोगे, 120% जो है 478.80 के बराबर हो गया, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 100% निकालेंगे आप, 478.80/120 × 100 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 399। अब आपको समझ में आया ये, सुन लो हाँ भाई, ये सेलिंग प्राइस हो गया, समझ रहे हो, ये सुनो, और 20% का क्या हुआ था, उसको प्रॉफिट हुआ था, समझ में आया कि नहीं आया, ये सुन लो, बोलिए, अरे बोलो ना, ठीक है, इसको मैं इसकी छोड़ भेज देता हूँ, कैलकुलेशन तुम समझ ही चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना तो मामला तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है, आगे की बात करते हैं, एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक प्रोडक्ट को बेचता है 400 रुपये के हिसाब से, कितना का डिस्काउंट देता है, 20% का, और लेबल प्राइस पे यानी एमआरपी पे, और 30% प्रॉफिट कमाता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे वो कमा रहा है 30% का प्रॉफिट, किस पे कमा रहा है, किस पे कमा रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, तो उसका जो प्रॉफिट क्या था, देखो ये अच्छे क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंट क्या था जब वो डिस्काउंट नहीं देता था, जरा समझिएगा कि जब नॉर्मल 20% का डिस्काउंट देता था, ठीक है, तो 400 रुपये की कमाई करता था वो, ठीक है, एमआरपी पे,
लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 30% की कमाई होती होती है, ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या था जब वो डिस्काउंट होगा, जब वो डिस्काउंट नहीं देगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझते हैं। कुछ हम लोग वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, मुझे बताओ मार्क प्राइस कितना है, क्या मार्क प्राइस पता है आपको? 4 and 200। नहीं पता आपको? नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि मार्क प्राइस हमेशा 100% होता है। हाँ भाई, अब देखो, आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होता है क्या? सर आप कमाल की बातें करते हो, कभी आप मार्क प्राइस 100% बोलते हो, कभी आप कॉस्ट प्राइस 100% बोलते हो। हम तो कंफ्यूज हो गए सर, माइंड में तो चल रहा होगा, खिचड़ी पक रही होगी माइंड में, ये सुनो। अरे बोलो ना, नहीं बोलते हो तुम लोग कि सर आप पहले तो डिसाइड कर लो कि करना क्या है सर, मार्क प्राइस 100% लेना है कि कॉस्ट प्राइस लेना है, ठीक है। मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस पे कभी डिस्काउंट दिया जाता है क्या? हाँ, डिस्काउंट कभी कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है कि जितने में खरीद के लाया उसी में डिस्काउंट दूंगा मैं? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है हमेशा? मार्क प्राइस पे दिया जाता सेलिंग है, मार्क मार्क प्राइस पे दिया जाता है, मार्क लेवल प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम 100% लेते हैं कि काटने छाटने के बाद, डिस्काउंट करने के बाद आपने जब क्या किया, क्या किया, डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस निकला। अब पहले आपको प्रोसेस क्या है, पहले आप मार्क प्राइस पे जाइए, फिर आप सेलिंग प्राइस पे जाएंगे, फिर आप कॉस्ट प्राइस पे निकाल पाएंगे। आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे मार्क प्राइस, या डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे कॉस्ट प्राइस, अगर आपको दिया है तो अलग बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो जब डिस्काउंट की बात हो ना, तो आप 100% लेते हैं मार्क प्राइस को, जब डिस्काउंट की बात ही नहीं कर रहे तो मार्क प्राइस को 100% लेना क्यों, यस और नो? या फिर मार्क प्राइस लेना ही क्यों जब डिस्काउंट है ही नहीं? तो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट वर्ड यूज किया गया है तो मार्क प्राइस होगा जरूर, समझे क्वेश्चन में? अरे बोलो यस और नो? जब भी डिस्काउंट वर्ड यूज किया जाएगा क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली वी विल हैव टू फाइंड आउट द क्या, मार्क प्राइस। इधर इट विल बी गिवन बाय द क्वेश्चन एग्जामिनर और वी हैव टू फाइंड आउट, इट्स एज सिंपल एज दैट। चलिए आगे बात करते हैं। मार्क प्राइस क्या हमारा 100%, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताइए, सामने वाले ने 20% का डिस्काउंट दिया, तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना परसेंट रहा होगा? 100 माइनस 20, 80% बेचा होगा वो भाई, प्रोडक्ट 80% बेचा होगा, ये सुनो। तो मुझे जरा बताएंगे कि 80% अगर 400 रुपये के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, ईमानदारी से बताइए जरा आप? 400 बटा 80 × 100, ये सुनो। हाँ भाई, यानी मार्क प्राइस कितना है जी, बताइए जरा? 500 रुपये के बराबर है। क्या आपको ये बात समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो ना, यस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आई यस कि सेलिंग प्राइस में जो हुआ वो 20% डिस्काउंट पे था, यानी 80% के रेट पे वो बेच दिया, जो भी एमआरपी था उसका, तो 80% बेचा, लेकिन अमाउंट कितना था वो, तो 400 रुपये था। तो अगर 400 रुपया अमाउंट था, 80 रुपये के रेट से बेचा है 80% के हिसाब से, तो 100% कितना होता है, 500, यानी 500 रुपये का एमआरपी का लेवल लगा हुआ है, ऐसा पकड़ लो 500 रुपये का लेवल लगा हुआ है, जरा समझते हैं। लेकिन जब मुझे बताओ कि जब 80% के रेट से भी बेचा वो, तब भी वो कुछ कमाई किया कि नहीं किया, बताइए? हाँ जी, अरे बोलो ना, कुछ कमाई किया कि नहीं किया भाई, किया कि नहीं किया, यस बोलो? अरे किया कि नहीं किया प्रॉफिट, बोलो? 30% प्रॉफिट किया कि नहीं किया, यस? हाँ, सर। प्रॉफिट किया ना उसने, कोई दिक्कत थोड़ी है, प्रॉफिट उसने किया है। लेकिन हालांकि वैल्यूज निकालने की कुछ खास ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन ठीक है, आपने निकाला तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, 500 का आ गया हमारे पास। अब मुझे बताओ 30% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था? तो आप बोलोगे 130%, यस यस और नो? 130% रहा होगा सेलिंग प्राइस का वो, ठीक है। तो जब वो डिस्काउंट नहीं दिया होगा तो 80% रहा होगा उसका वो, जब डिस्काउंट नहीं दिया हो, यानी जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच दिया उसने,
मतलब खरीद के नहीं लाया, मतलब उसने कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया। अगर वो डिस्काउंट ही नहीं दिया, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा ईमानदारी से मैं चेंज करता हूँ कि इफ नो डिस्काउंट इज गिवेन, इफ नो डिस्काउंट इज गिवेन तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा होगा बताओगे जरा? 500 रुपया। बोलो भाई, जब डिस्काउंट दिया तो 400 के रेट से बेचा सेलिंग प्राइस, यस और नो? और 100% क्या है मार्क प्राइस। तो जब डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा है, डिस्काउंट नहीं देगा तो जो रेट बिच सेलिंग प्राइस होगा कितना सेलर का, शॉपकीपर का, बताओ? बोलो यस, अरे बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही है सबको? 500 रुपये में बेचेगा वो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ चीज़ों को। तो देखिए, 500 रुपये उसने बेचा, लेकिन सवाल ये है कि 30% का उसको क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है। यानी हमें एक बात ये भी पता है कि कॉस्ट प्राइस भी 100% ही होता है, लेकिन सो प्रॉफिट कितना हुआ, 130% का प्रॉफिट हुआ, यस और नो? तो अगर मैं ऐसा पकड़ के चलूँ, लेट मी चेक कि सही है कि नहीं, 130% 500 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? 500/130 × 100। मैं चेक कर रहा हूँ सही है कि नहीं, लेट मी चेक। 13 × 5 = 65, नहीं 52, नहीं, ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो इसमें डिस्काउंट वाला तरीका लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट 30% का हुआ है, कितना का प्रॉफिट हुआ है, 30% का। तो मुझे बताइए, स्टार्टिंग में डिस्काउंट उसने कितना दिया, मुझे बताइए, स्टार्टिंग में डिस्काउंट उसने कितना दिया? बोलो, 20%, 20%। और बाद में वो प्रॉफिट कितना कमा लिया, 30% का। तो मुझे बताओ, 20% और 30%, ठीक है, 30% और यहाँ पे क्या, 20%। तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो मुझे बताओ, 20% का डिस्काउंट होने पे आप क्या हुए, एक्चुअली ये 100 था, पीछे गए आप कहाँ पे, 80 पे, और फिर क्या हो गया, 130। मैं यही मेथड बता देता हूँ तो ठीक रहता तुम लोग को। तो मुझे बताओ, इसमें डिफरेंस कितने का हुआ, कितने यूनिट का डिफरेंस हुआ, 50 यूनिट का, या 50% का डिफरेंस हुआ? मतलब यस पहले वो कॉस्ट प्राइस अगर अपन मान के चलते, या सेलिंग प्राइस मान के चलते 100% है, तो पहले वो 80% पे बेच रहा था, अब वो बेचना चाहता है 130 पे, तो टेक्निकली डिफरेंस कितना रखना चाहता है वो, 50% का, यस यस और नो? बट वो सेलिंग कर कितने पे रहा था, 80 पे कर रहा था, ठीक है, किस पे कर रहा था, 80 पे। तो पार्टी खत्म, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, यही मेथड से जाओ, इतना लंबा जाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 50/ कितना, कर्व किस पे रहा था, 80% पे था, 80 × कितना, 100, ठीक है। ये काट लो और ये काट लो, 4 2 बार में, 4 25 बार में, और 25 × 5 = 125/2 इज 62.5। तो देखो, मैं इसका अप्रोच बता देता हूँ, हालांकि मैंने दूसरा मेथड यूज किया, बट वो मुझे काफ़ी लेंदी लग रहा था, क्योंकि उसमें वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको, एक सेकेंड। लेकिन इसका जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही इजी है, बताता हूँ कैसे, क्योंकि मुझे लगा चलो वो मेथड मैं बाद में बताऊंगा आपको, दिव्य दृष्टि वाला। ये 20% है और ये क्या है, 30%। कोई भी प्रोडक्ट अपने आप में 100% होता है, यस और नो? तो वो पहले कितना का बेच रहा था, 80% बेच रहा था, बाद में वो कितने में बेचना चाहता है, 130% बेचना चाहता है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 50% का। लेकिन ओरिजिनल प्राइस कितने पे था उसका, स्टार्टिंग में कितने, जब डिस्काउंट नहीं दे रहा था तो कितने के हिसाब से होना चाहिए उसको, तो 50/80 × 100। तो ये काट लो इसको, और क्या आ जाएगा, 62.5%। बस इतना ही करना है इसमें, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात, यस और नो? अरे बोलो यस यस, सर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश परचेज करता है एक टीवी को 11,250, यानी 11,250 रुपये में, 800 रुपये में इंस्टॉलेशन में खर्चा करता है, कितना खर्चा हो गया जी, ट्रांसपोर्टेशन में, ये तो बना लोगे? हाँ जी, इन दोनों को जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, और 115% निकाल दो इसका, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे ना? और उन्होंने बोला है कि कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो बना लोगे ना, क्या करोगे, 115% ऑफ,
आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। 115% ऑफ कितना, 11,250 प्लस 800 प्लस 150, समझ रहे हो? ये सुनो, हाँ जी, इसको करोगे तो 12200 आएगा। मैं यहीं से देख के बोल देता हूँ, अपने पास इतना टाइम है नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट, फायदा नहीं। इसका 14030 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? कर लेना ये सब, मेरे को अभी कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट मत करवाओ मेरे से, ये सब ठीक है? समझ रहे हो कि करके बताऊं कैलकुलेशन, मैं यही करवाना चाहते हो तुम मेरे से? इससे अच्छा दूसरा क्वेश्चन कर लो, नया कॉन्सेप्ट सीख लो, ये सुनो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? देखिए, एक फॉर्मूला आपको मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने आपको बताया भी था और आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, सी पी बाय एस पी का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? सी पी बाय एस पी का एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था बताओ? सी पी में 100 माइनस d% और 100 प्लस p%, क्या ये मैंने बात बताया था आपको? यस और नो? देखो मेरे पास सबूत भी है, तुम पीछे नहीं हट सकते हो, सबूत भी मैं लेके चलता हूँ मार्केट में, यस और नो? अरे बोलो, यस अरे नहीं बताया था क्या? बोलोगे? नोटबुक लेके खोल के बैठे हो तो देखो ना। बताया लिखा हुआ है नोटबुक पे? कुछ बोलेंगे नहीं ये लोग, ठीक है? कोई बात नहीं। देखो, ए ने बी को बेचा 10% डिस्काउंट पे, जो प्रिंटेड रेट था, ओके। और डिस्काउंटेड रेट जो है 1242 है, 15% प्रॉफिट अर्न हुआ है, कमाई हुई है, ओके। तो सेलिंग करने पे तो परचेज रेट क्या था उसका? तो एक एक करके अपन करते हैं। सोल्ड कर रहा है बी को, तो मुझे बताओ बी के लिए वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना? अरे ए ने बी को बेचा, तो बी ने जब खरीदा तो बी के लिए तो कॉस्ट प्राइस हुआ ना, यस ये सुनो। तो ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस पर तो मैं कॉस्ट प्राइस को छेड़ता नहीं हूँ, मैं छेड़ूंगा नहीं अभी, ठीक है? 10% डिस्काउंट दिया था, तो चलो यहाँ पे 100 माइनस 10, ये एक साथ है, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? बाद में अपन सॉल्व करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक क्या लिख दिया मैंने, 110 माइनस 100% है ना, और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 15%, 100 प्लस p%। अच्छा जी, अपॉन सेलिंग प्राइस, क्या है सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सेलिंग डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, नहीं क्या भाई? तुम मेरे पास MRP 500 रुपये का है और तुमने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 450 रुपीज़। तो मुझे बताओ क्या सेलिंग प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है? अरे बोलो, बात ये सुनो, अब हर क्वेश्चन को कराने के लिए मुझे अलग से एग्जांपल देना पड़ता है, तुम लोग बोलते नहीं हो, यही अजीब सी बात है, पर ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपका पूछना धर्म है, अच्छी बात है। तो सेलिंग प्राइस इज अ डिस्काउंटेड प्राइस, यस और नो? हाँ जी बोलिए। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या है आपका? 1242 रुपये, पार्टी खत्म। 1242 इज इक्वल टू 90 अपॉन 100, 90 में लिख दो ना, 100 प्लस p%, p परसेंट कितना था, प्रॉफिट कितना था? 15 ना, 15 लिख देते हैं, चलो 15 लिख दिया, तो ये कितना आ गया? 115 आ गया, ठीक है? 115 आ गया। अभी कर लो, सीपी कितना होगा? 90 इंटू 1242, रुको कितना हो गया, 90 इंटू 1242 अपॉन 115, करो तो जरा कितना आता है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 100 100 वैसे कट जाना चाहिए, लेकिन 100 100 काट नहीं रहे लोग, रुको मुझे देखना पड़ेगा इसमें कि इसमें कोई चेंज तो नहीं किया इन्होंने। सेलिंग द अच्छा, प्रिंटेड रेट पे बेच रहे हैं वो, ओके 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 ओके, बेच वो प्रिंटेड रेट पे रहे हैं, ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सीपी बाय एसपी हो गया आपका 100 माइनस d% अपॉन 100 प्लस p% हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गिव मी वन सेकेंड, लेट मी चेक कि सब बराबर चल रहा है कि नहीं।
ठीक है, इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, 5 18 बार में, 5 23 बार में, ठीक है, और 23 कटेगा इससे, 1242 से, हाँ जी, 1242 अपॉन 23 आएगा क्या, 54 टाइम्स से कट गया, 18 × 54 972, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें यहाँ पे इन्होंने दिया है सेलिंग द प्राइस एट प्रिंटेड रेट, यानी वो सेलिंग किस पे कर रहा है, देख रहे हो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो? हाँ भाई यस बोलो, यस सर, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, मैंने मुझे लगा ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि कभी कभी ऐसा देते हैं, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है कि सेलिंग द प्राइस एट प्रिंटेड रेट, हालांकि वो डिस्काउंट भी दिए थे पहले, बट फिर भी सामने वाला शॉपकीपर ने अपना ईमान, शॉपकीपर नहीं है जो पर्सन है, दो आदमी है ना, एक सिंगल शॉपकीपर होता तो अपन ये सीधा फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ने दूसरे को दिया और दूसरे वाले ने क्या किया, एमआरपी के रेट से बेच दिया, कितना स्मार्ट है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लो, मान लो कि तुमने एक आईफोन खरीदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आईफोन खरीदा, उस पर एमआरपी कितना है, 73,500 रुपया लिखा है, तुमने अपने फ्रेंड से लिया है ना, फ्रेंड से खरीदा है ये, ठीक है, आईफोन जो है, मान लो इसे, मान लो शॉपकीपर से खरीद के लाया, शॉपकीपर से, अब इसको आपके दोस्त को, मान लो ये फ्रेंड ए है, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैसे की जरूरत थी, उसने उसने क्या किया, तुमको बेच दिया, तुम हो यू, तुमको बेच दिया कि भाई एक यार मुझे पैसे की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है यार, प्लीज़ देना, दोस्त है तू मेरा, तो आप बोलोगे कि नहीं यार मैं कैसे दूं, ये सब वैसा, मेरे मैंने मोबाइल खरीदने के लिए रख रखा है, ना 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 मेरे पास पैसे हैं 50,000, लेकिन मेरे को भी आईफोन खरीदना है, तो बोलता है भाई देख मैं छोटा छोटा 1,000 रुपये वाले मोबाइल से काम चला लूँगा, बट मेरे घर पे एक्सीडेंट का मामला है, तो एक काम कर तू 50,000 मुझे दे दे, ये आईफोन मैं तेरे को कल ही खरीद के लाया हूँ, तेरे को पता ही है, ये 50,000 ले और मेरे को दे दे, लेकिन तुम क्या हो, एक्स्ट्रा स्मार्ट, तुम क्या हो, एक्स्ट्रा स्मार्ट, तुमने क्या किया, 50,000 में खरीद लिया और तीसरे फ्रेंड सी को बेच दिया, कितने में बेच दिया, उतने ही बेच दिया जितने में तुमने खरीद किया, जिसका जितना इसका एमआरपी है, समझ रहे हो, यस और नो? अब तुम्हारी कितनी कमाई हो गई, 23,500 की कमाई हो गई ना, 23,500, अरे बोलो ना, हाँ जी, और तुमने क्या किया, यस जितनी कमाई उसे एक वीवो का फोन खरीद लिया 15,000 रुपये में, देखो कितने स्मार्ट हो तुम, पैसा भी कम, अपना रिटर्न आ गया, नया फोन भी आ गया, और 8 7 8 हज़ार रुपये का बेनिफिट भी हो गया, तो ये स्टोरी मैंने जानबूझ के सुनाया तुम लोगों को, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का था, ठीक है, कि तुमने अपने दोस्त से खरीदा, खरीदा कम में और बेच दिया एमआरपी में, कमाल के स्मार्ट आदमी हो तुम, तो ये वैसा ही कुछ हुआ है, ठीक है, समझ में आया बात, समझ रहे हैं मेरी बात, यस और नो? ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं, मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दूं, जो यूज किया गया है, CP बाय SP इज इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस D% इंटू 100 बाय 100 प्लस P%, ठीक है, फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा चेंज रहेगा क्योंकि मार्क प्रिंटेड रेट पे बेचना है इसको, अब यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या हुआ है, CP × 100 माइनस D%, यस और नो? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, अरे बोलो ना, यस और नो? इंटू क्या, 100 प्लस P%, अरे बोलो यस और नो? इज इक्वल टू क्या, SP × 100 इंटू कितना, 100, यस, बोली यस, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए CP बाय SP का रेशियो कितना होगा, ठीक है, CP बाय SP का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो CP के साथ है क्या, CP के साथ मल्टीपल में क्या, SP के साथ क्या है, 100 × 100 है ना, अपॉन क्या, 100 माइनस D% और 100 प्लस P%, ये कब होगा, ये कब होगा बताओगे जरा, ये कब होगा, जब हम प्रोडक्ट को किस पे बेच रहे हैं, प्रिंटेड डेट पे बेच रहे हैं, लेकिन याद रखना ये हमेशा नहीं होगा, तो आपसे पूछा क्या गया है, परचेज रेट, तो CP पूछा गया तो क्या करेंगे, SP × 100 × 100 अपॉन 100 माइनस D%, 100 माइनस D का मतलब कितना, डिस्काउंट कितना, 10%, 100 प्लस P%, 100 प्लस 15%, ठीक है, इंटू कितना है, सेलिंग प्राइस,
यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखना है, तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा वन, कितना है हमारा सेलिंग प्राइस, कितना है सेलिंग प्राइस, तो ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, सेलिंग प्राइस नीचे थोड़ी है, सेलिंग प्राइस ऊपर है, तो सेलिंग प्राइस निकालो कितना है 1242 × 100 इंटू कितना 100 अपॉन, तो ये सब मैं फालतूगिरी बाद में करना नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, एक अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा मैं आपको करके बता रहा हूँ। 520 जा, 518 जा, यस और नो, यस और नो। अब 23 × 5, तो 23 टाइम्स चला गया, 5 20 बार में चला गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको छोटा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको काट लो इससे, 9 3 9 9 से कट जाएगा, ये देखो तो कट रहा है, ये कटना ही चाहिए, या 23 से कट जाएगा ये 54 टाइम्स में, ठीक है, 54 टाइम्स से कट जाएगा ये सीधा सीधा, और 9 6 टाइम्स से कट जाएगा ये, तो 6 दूनी 12 और 2 0 1200 रुपीज़ का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1200 रुपीज़ के आंसर हो जाएगा, क्लियर है, यस और नो, क्योंकि मैंने किया भी था अभी, 54 से कैलकुलेट हो गया था। अरे बोलो भाई, यस और नो, स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को अगर मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, रेडी हैं आप लोग, यस और नो, अरे बोलो क्या आप रेडी हो, यस और नो बोलिए, अरे बोलो ना, यस और नो, ठीक है। देखिए आप इतना सारा मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा, ठीक है। आपका डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, 1242, कितना है 1242, यस और नो, डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, है ना, यानी सेलिंग प्राइस है आपका, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस है 1242, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस कितना है 90, नीचे लिख लीजिए, फिर प्रॉफिट परसेंट कितना है 115, नीचे लिख लीजिए, ठीक है। अब परसेंटेज टूटता है 90%, तो 100 ऊपर जाता है, यस और नो, 115% जब परसेंटेज टूटेगा तो 100 ऊपर जाएगा, यस और नो, और यही इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो डिस्काउंटेड प्राइस को भी नीचे लिखिए, प्रॉफिट परसेंट को भी नीचे लिखिए, परसेंटेज टूटा 0 0 ऊपर जाता है, सीधा 2 बार कर दीजिए, इसको काट दीजिए 23 बार में, और ये काट लीजिएगा 54 टाइम से कट जाएगा ये आपका सीधा सीधा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस, और ये 18 बार में कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा, तो काट करके आप निकालो, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, अभी मैंने कैलकुलेशन किया नहीं जल्दी से, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा करना है 1242 × 100, मेरे को लगता है कर ही देना चाहिए, इंटू 90 × 115, इसका सीधा सीधा वैल्यू कितना आ गया 1200, ठीक है, सब लोगों को क्लियर है, यस और नो, अरे बोलो यस, हाँ जी, अरे बोलो ना, यस, हाँ ठीक, सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि इसका एक अप्रोच और है, बट इतना लंबा अप्रोच वैल्यूज निकाल के कोई फायदा है नहीं, तो मुझे लगता है कि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो लोग याद रखते हैं, इसीलिए मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। राजेश ने परचेज किया एक मोबाइल फोन और एक रेफ्रिजरेटर, कितने में खरीदा, मोबाइल खरीदा 12,000 का और रेफ्रिजरेटर खरीदा 10,000 का, तो मार्केट वैल्यू 12 मोबाइल की ज़्यादा हो गई नहीं, मोबाइल खरीदा 37,000 में और एसी रेफ्रिजरेटर खरीदा 18,000 में, तो वैसे ही हो गया कि मोबाइल की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, चलो मुझे बताओ जरा मोबाइल कितने में खरीदा सामने वाले ने, 12,000 में, यस और नो, यस और रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा 10,000, जरा ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर को 12% लॉस में बेच दिया, यानी कितने परसेंट बेचा, 12% लॉस में बेचा, तो बेचा कितने में वो, 88% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, अरे रेफ्रिजरेटर का था ना, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया, मुझे लग रहा था गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि रेफ्रिजरेटर को 12% लॉस में बेच दिया उसने, तो टेक्निकली बेचा कितने में उसने, 88% ऑफ 10,000, यस और नो, हाँ जी 8,800 में बेच दिया, यस और नो, सेलिंग प्राइस बोलो, अरे बोलो ना जी, ठीक है। अब मोबाइल को 8% प्रॉफिट में बेचा, यानी प्लस 8%, यानी क्या हो गया 108% ऑफ 12,000,
12,000% से तो 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 काट दो, 12 96, देख लो 108 × 12 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया, 216 और 108 6। वैसे तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए, 6 9 2 1 2 9 6। तो वैसे भी मैं बोल देता कि 12 × 96 और 12 × 1 = 12, खत्म कर। लेकिन तुम लोगों को ना इसे बहुत मज़ा आता है इसीलिए मैंने किया। 1296, क्या 1296 आएगा इसका आंसर? क्या ये 1296 आएगा? एक जीरो और चिपकाना पड़ेगा ना जी, यस और नो? 12,960 रुपये बेचा उसने, ठीक है, और 88%। तो आपसे ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट क्या हुआ तो मुझे बताओ, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप बोलोगे सर 12,960 प्लस 8,800, यस और नो? जोड़ दो 6 8 8 16 17, कैरी 1 8 10 11 और 1 2 1 7 6 0, यस और नो? अरे बोलो ना, सही लिखा ना मैंने? 6 8 8 16 17, कैरी 1 8 2 10 11, टोटल सेलिंग प्राइस यही है, यस और नो? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ? 12,000 प्लस 10,000 कितना? 22,000। सर सर हाँ बोलो। उसने रेफ्रिजरेटर जो 12,000 का था वो 12% के लॉस में बेचा ना। हाँ अच्छा मैंने उल्टा लिखा हूँ क्या मैं यहाँ पे? अरे सर, वही यार पूरा आपने आपने क्या किया, हाँ 8% का हाँ 12% का दिया वही, और समझ इसका समझ गया उल्टा। समझ गया समझ गया समझ गया, मैं लिखा ही उल्टा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा धोखा कभी भी हो सकता है, एग्जाम में आपके साथ भी हो सकता है, ये हादसाएं किसी के साथ हो सकती है, ठीक है, आप बता दिया करें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल का 12,000 है ना, सही नहीं बोल रहा हूँ क्या मैं? परचेज मोबाइल तो फोन, मोबाइल का 10,000 है, मोबाइल का 10,000 है, और अरे बाबू बताओ, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, नहीं, रिस्पेक्टिवली में मोबाइल तो बताया 12,000 है ना, मैं तो ठीक ही लिख रहा था यार, तुम क्या करवा दिए मेरे से। रेफ्रिजरेटर 10,000 का, लेकिन ठीक है, अभी जो कर दिया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर को 12% लॉस पे बेचा था, तो 12% 12% लॉस पे, -12%, ठीक ही तो कर रहे थे अपन 8,800, ठीक है, और प्रॉफिट 8%, तो 12 96 1 2 9 6 0, ठीक ही तो लिख रहे थे। तो ये सेलिंग प्राइस ही तो है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? वन, ठीक ही तो लिख रहे थे, 960। देखो मुझे लगा तुम सही बोल रहे हो, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 9 6 0 और 8,800 कर लो, 0 6 8 8 16 17 के साथ 1 8 2 10 11 के 1 1 2 1 7 6, ठीक ही तो लिख रहे थे, 2 1 7 6 0। लेकिन टोटल सेलिंग प्राइस तो इतना है, बट खरीदा कितने में था उसने, ये है ना कॉस्ट प्राइस, अच्छा 12,000 प्लस 10,000, ठीक ही लिख रहे थे, फिर उड़ा दिए तुम, 22,000 में खरीदा। अब मुझे बताओ उसका लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? खरीदा था 22,000 में, बेचा उसने कितने में? 21,760 में, तो उसको क्या हुआ है, लॉस परसेंट हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस क्या होता है? CP - SP / CP × 100 है ना। तो बताओ 22,000 में तुम क्या घटाओगे, 21 760 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 22,000 इंटू कितना करोगे, 100 करोगे, करो कितना आता है बोला, 22,000 में घटाओ 2 1 7 6 0, 0 10 में 4 6 गया 4, बचेगा 9, ठीक है, 9 7 जाएगा 2, ठीक है, ये बचा 1 0, ये 0 खत्म, 240, 240 आ रहा है, यस और नो? लेकिन उसने क्या बोला है, ओवरऑल लॉस बोला है, लॉस परसेंट नहीं बोला है, समझ रहे हो? अरे लॉस बोल रहा है बाबू, हाँ जी, अपन तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने मेहनती लोग हैं, उसने तो लॉस ही पूछा है ना सिर्फ। तो लॉस कितना है, 22,000 - 2 1 7 6 0 ₹240, यही इसका आंसर हो गया, यस और नो? 240 कहाँ लिखा है, ये देखो लॉस ऑफ दिखा है सबको, यस और नो? बोलो, यस मेहनत करवा दिए। हालांकि हमने लगा कि भी परसेंटेज अवेलेबल होगा, तो कभी कभी क्या है, थोड़ा जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करनी होती है, ठीक, इसका सीन छोड़ दे देते हैं। तुमने नोट्स अच्छे से बनाना, गड़बड़ मत करना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो
ये तो बना लोगे तुम, अभी किए हैं हम लोग। यस और नो? देखो, 140 शर्ट खरीदा और ट्राउजर कितना खरीदा? 250। तो मुझे बताओ टोटल शर्ट का प्राइस कितना है, शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है बताएंगे आप? सॉरी, कॉस्ट प्राइस। बोलो। अरे बोलो, तो 140 × 450 कॉस्ट प्राइस। 250 हाँ होगा। हाँ, और 250 और ट्राउजर का 250 × 550 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस, सीधा सीधा अपन, मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूँ, इन्होंने कर भी रखा है। 140 का 450 के हिसाब से, 250 का 550, सीधा सीधा निकाल दूँ, समझ में आ रहा है ना? इतना टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, बराबर ना? चलेगा आपको? ठीक है। चलिए देखिए, अब बोल रहा है ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 40% होता है, 140% ऑफ निकाल दो, खत्म कहानी। 140% ऑफ कितना? ठीक है, एवरेज बोला है, ये याद रखना। 140% ऑफ कितना? टोटल सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 140% ऑफ 2005 00। लेकिन चूंकि एवरेज बोल दिया है, तो 100 एवरेज बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल टोटल प्रोडक्ट कितना है आपका, टोटल प्रोडक्ट कितने हैं आपके पास? 250 और 140, 390। बड़ा 390 निकाल दो, इसका लगभग 720 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे समझे कि नहीं समझे, कि बताना है, बोलो क्लियर है कि नहीं? ये टोटल सेलिंग प्राइस आया, और फिर उसके बाद जैसे डिवाइड कर दिया आपने 390 से, एवरेज आ गया। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो ना, मैं एक क्वेश्चन और कराने का सोच रहा हूँ, हाँ सर, समझा। समझा ना? बाकी लोगों को तो डॉक्टर ने मना कर रखा है बोलने के लिए, लगता है। ए ट्रेडर मार्क्स इज 40% अबव कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 140%, डिस्काउंट 25% का दिया है, तो कितना हो गया? 75% हो गया, है ना? बराबर ना? तो प्रॉफिट ही मेक्स, प्रॉफिट कितना परसेंट किया? 140 से 75% हटा दो, है ना? 75% हटा दो, ठीक है? कितना? चलो एक काम करता हूँ, मैं टेक्निक से बताता हूँ, पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर आपको टेक्निक से बताता हूँ। देखो कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है, जरा बताओ ईमानदारी से, 100% या 100? और तो अभी मार्क कर दिया उसने, कितना मार्क प्राइस कितना हुआ? 140%। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25%। तो मुझे बताओ डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगता है कि कॉस्ट प्राइस पे? बोलो, प्राइस मार्क प्राइस पे लगता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 - 25% ऑफ 140। ये तो समझ में आ गया सबको? 25% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस से 75% बचा, 75% किसका? 140 का, तो कितना हुआ? 75% ऑफ 140। इसको यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 140 तो कितना? 75% कितना हुआ? 25 क्या 75, 25 × 100 × 140। ठीक है, इसको काट लो, थोड़ा छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया? 70 हो गया, है ना? ये 210 बटा, ये तो और कट जाएगा यार, नहीं, रुको, ठीक ही तो लग रहा है मुझे, 35 हो गया ना, ये 35 और कट जाए। अरे यार क्या है, इतना माथा पूरी कर रहे, सीधा सीधा काट दो इसको, ये 2 हो गया, 2 से कट गया ये 35 बार में, तो 35 × 3 कितना होता है? 105। ये सौ लो, तो सेलिंग प्राइस कितना यूनिट हो गया? 105। तो सामने वाला प्रॉफिट कितना किया है? 100 से 105 में कितना हो गया? 5% प्रॉफिट। अरे नहीं बोलोगे है कि नहीं? सर, आ गया आंसर, आ गया, खत्म कर दी। सोचना क्या है, अब ये सब करके जिंदगी बर्बाद मत कर लेना अपना, फालतूगिरी। ठीक है, ठीक है ना? वो जो 11th वाला सम था ना, उसका खाली एक स्क्रीनशॉट लेना था मुझे, एक बार आप ऊपर कर सकते हो। मैं तो टेलीग्राम पे तो भेज ही रहा हूँ, फिर भी तुमको चाहिए? 11 नंबर ना सिर्फ? हाँ सर, हो गया। भेज तो मैं वैसे टेलीग्राम में जब तुम टेलीग्राम में जाओगे ना, तो तुमको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बताता हूँ मैं। यहाँ पे जाओगे, देखो ये दिख रहा है, एक सेकंड को खुल जाए सिम सिम। एक तो क्या ही लोग सर्वर ऊपर नीचे करते रहते हैं। आपको क्या करना है बताता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी बात है। यहाँ पे जाना और फाइल्स पे जाना है, क्या जाना है? फाइल्स और एक फोटोज। देखो जब फोटोज पे जाओगे ना, तो जितने मैंने स्क्रीनशॉट लिए ना,
देख रहे हो? यस, आप इसको ईमानदारी से मोबाइल पे पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो? मोबाइल पे आप क्वेश्चन दिखेगा आंसर दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा आंसर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? ठीक है, तो ऐसे पढ़ यस सकते सर। हो। बाकी तुम मोबाइल पे अपने स्क्रीन शॉट ले रहे हो तो दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग, कि तुम्हें पता चल रहा है कि क्या है नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब स्क्रीन शॉट जा ही रहे हैं। फोटोज में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं मिल जाएगा। ठीक है, और कोई फाइल्स आपको देखना है तो जो फाइल्स मैंने डाल रखे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे ये फाइल्स के अंदर आया है इमेज, ये खुलेगा ना, दिखा देता हूँ, नहीं तो बाद में चिल्लम चिल्ली करोगे तुम लोग। एक सेकेंड, क्लिक में लगता है ज़्यादा गलत जगह कर देता हूँ। कहाँ गया टेलीग्राम? तुम लोग मोबाइल में देखोगे तो शायद ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, है ना? ठीक है, देख लेना। ठीक है, फाइल्स में जाके देख लोगे ना तुम लोग, यस और नो? यहाँ पे नहीं हो रहा है। अरे बोलो ना, यस। हाँ सर। फाइल में जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट तो मैं हाँ भेजता ही हाँ हूँ, ठीक है ना? दिखा भी होगा, तुम लोग के पास मोबाइल है तो तुम देख ही सकते हो। प्रिंट स्क्रीन कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक सर। है, तो अब इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का मामला हो गया है। ठीक है, तो आपको पहले आपको क्या करना है, आगे की जो क्वेश्चन है ना, ये आपको घर पर ट्राई करने हैं। ठीक है, समझ रहे हो? और कोई डाउट? अच्छा, इस क्वेश्चन में जैसे देखोगे क्वेश्चन 15 यहाँ दिख रहा है, बट ये आंसर पूरा नहीं है। उसके बाद क्या है, ये इसका कंटिन्यू पार है, तो दूसरे पेज पे लिख दिया है, तो आप उसके लिए घबराना मत, है ना? दूसरे पेज पे लिख दिया ना 110, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि 390 इसका आंसर, सर नन ऑफ दीज होगा, ऐसा नहीं है। इसका नीचे में इसका आंसर दिया हुआ। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो? अरे बोलो। और आपका ये होमवर्क है, यस होमवर्क है। ठीक है, बाय। सो दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट वी विल कम विद द मोर क्वेश्चंस बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रॉफिट एंड लॉस। सो दिस इज मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।